तो हम आ चुके हैं खेतों में इस टाइम पे, और आज थकावट के साथ साथ कुछ थ्रिलिंग चीजें भी हुई हैं हमारे साथ। बताने लायक नहीं है, एक्चुअली दिखाएंगे आपको। बताने लायक नहीं है, दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं, शादियों में कुछ रस्में होती हैं जो हमने आज यहाँ पे आज हम उसके गो थ्रू हो गए, रस्मों को देखा। तो अभी निकले हैं खेतों में, धूप में, कड़ी धूप में, और गर्मी लग रही है, मेरे को मन कर रहा है घर भाग जाऊँ, बट खेतों में आए हैं तो थोड़ा घूमते हैं, आपको दिखाते हैं आसपास का इस टाइम पे। और ये मेरे साथ अपना लेजेंडरी ट्रैवलर इन खेत, पीछे देखिए गाइस, एक भट्टा भी है हमारे पास, तो आपको दिखाता हूँ आगे। स्विच नहीं था प्रोडक्टली। हाँ ऐसे करना पड़ेगा, और छाँव कहाँ मिलेगा भाई अब। कहीं धूप है कहीं छाँव, चल धूप का ही और मजा आएगा। ये हल्की हल्की मध्यम मध्यम गर्मी, चल हम रात को ढूंढ रहे थे। हाँ तब ठंड लग रही थी यहाँ पे। गाइस कुछ साउंड है, तो आई डोंट थिंक कि कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर कर पाएगा बर्ड्स के एंड इंसेक्ट्स के, तो इसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही ब्यूटीफुल सा स्पॉट। गेहूं के खेत। तो गाइस एक्सप्लोर कर रहा था, और ये पूरा एक खाली प्लेन सा एरिया है, देखिए आप चारों तरफ। एंड यहाँ पे देखिए कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी साइज की हड्डियाँ हैं, ये किसी भी जानवर की हड्डी हो सकती है, जॉइंट बोन्स। देखिए चलो कितने सारे यहाँ चारों तरफ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, और इस एरिया में अभी दूर दूर तक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की रेंज में भी कोई इंसान नहीं है, और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ अकेला। चलते हैं आगे। तो गाइस बता दूँ, मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं आया था यहाँ पे खेतों में घूमने, ऐसे घूमने आया था। जीन्स वगैरह पहनी हुई है मैंने पूरी प्रॉपर, और जीन्स पहन के आ रखा हूँ। तो शादी हो चुकी है लगभग, दोस्त की फ्रेंड की पूरी जो है कंप्लीट शादी हो चुकी है, एंड हम मे बी कल या परसों तक हम निकल जाएंगे वापस पंजाब के लिए। तो मिले रहिए, साथ में रहिए, बने रहिए, दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। मेरे बाल आज तो बहुत टॉर्चर हुआ बालों के साथ, स्टिल बताएंगे क्या हुआ कैसे हुआ, तो बने रहिए, मिलते हैं आपको आगे। एक्चुअली गाइस मैं यहाँ पे आया था कोबरा स्नेक ढूँढने, मतलब दिन में तो वैसे मिलना चांसेस कम ही है, बट अगर हम जाके परेशान करें तो मिल जाए क्या पता। तो फिलहाल तो कुछ नहीं दिखा, कोई लिविंग क्रिएचर नहीं दिखा, एंड एक आसपास तालाब है, एक नदी है, उसमें कुछ फिशेस हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आगे। अगर फिर बढ़ जाए वो क्या होता, पॉइजनस पानी हो तभी इसमें कोई लाइफ ही नहीं ज़्यादा एग्जिस्ट करती, दिन में ऐसा हो रात को पॉइजनस होता हो। कुछ मिस्ट्री है भाई इसमें, इस पानी में जरूर कुछ मिस्ट्री है, वरना ऐसा लाइफ है यहाँ इस से पानी में। चुड़ैल कहीं ना कहीं से उतरती है ये जगह है, फिर इस पानी में जाके रात को ना अपना एक्सपेरिमेंट करा हुआ मिक्सचर मिला देती है, जिसकी सोच वजह से रहा जहर सामने है। ऐसे उधर कहीं खड़ा हो चुड़ैल सी, हाँ ऐसे देख रही हूँ मैं, है ना, यहाँ पूरी एकदम चुड़ैल में तो बाल आ करके काले कपड़ों में, ऐसे हाँ पूरी चेहरा दिखाई, हम भागेंगे भाई पूरी स्पीड, फोन फून फेंक के। आंखें वो उसके दिख रही हूँ ऐसे ना वाइट वाइट सी, और वहां पे गाइस खड़ी हो एकदम शांति एंड हवा एकदम है, वो और शांत ये हमारे सोनू कुछ शांति सी वहां पे खड़ी हो ना एकदम से, सोच रहा हूँ खतरनाक। क्या होगा। भाग जाएंगे, मैं फोन फेंक के भाग जाऊंगा, फोन पकड़ लूंगा वैसे भाग नहीं जाऊंगा। मैं भागूंगा तो मैं एक्सप्लोर करने चलेंगे क्या। एक्सपोर्ट तो नहीं करूंगा, मतलब हाँ मैं 2 मिनट देखूंगा सही से कि नहीं ये है क्या हाँ चीज़, है क्या चीज, है कौन क्या कौन चीज, है ये। पहले पड़ताल करेंगे, जांच नहीं करेंगे। अब तो इतने मच्छर हो चुके हैं कि एकदम से नहीं भागेंगे कि वो हाँ भाई बच्चे थोड़ी है, वैसे नहीं भागेंगे। नहीं मैं देखूंगा ये काली साड़ी में, मतलब ये आंखें इसकी सफ़ेद हैं, ये बाल आगे करें इसने, ये है कौन।
और चाहती क्या है, हाथ से पीछे करके ऐसे राउंड राउंड चल लेंगे ऐसे, एक्साइटमेंट नहीं मतलब है जो भी है, और ऐसे पीछे पीछे देखते भी रहेंगे ना कि ऐसे कहीं आ तो नहीं, ऐसे आराम आराम से ऐसे जाएंगे, ये हो सकता है हमारा, बस हम छेड़ेंगे भी नहीं उसको, पत्थर मार के देखूंगा वो रॉन्ग टर्न में, पहाड़ भी नहीं है कि रॉन्ग टर्न वाला सीन होगा, याद है वो अंकल कैसे मार के खा रहा था मोर, आंखों पे लगेगा तीर सीधा। तो गाइस डरावना मंजर, जरा पानी में देखिए बिल्कुल लाइफलेस है, बट कुछ फिशेज है मैंने लास्ट टाइम देखा था, बट एकदम लाइफलेस पानी है जैसे कुछ हो ही ना, और ये काफ़ी लंबा जो है लॉन्ग है, काफ़ी लार्ज है, बट कुछ है नहीं फिलहाल तो, एंड काफ़ी सारी पक्षी एंड उसका, और काफ़ी घना जंगल है इसके उस साइड, गए भी तो क्या ही मिलेगा हमें, जंगल है पूरा, जंगल तो नहीं है वो उसके आगे, फिर फॉर्मल पैंट पहन के पेड़ पे चढ़ते हुए गाइस अपना सोनू दोस्त ये चढ़ जाए, फिर मैं भी ट्राई करता हूँ एक दो पेड़ पे चढ़ने गाइस तो ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है गाइस, मुझे हंसी क्यों आ रही है भाई, यहाँ बैठी हो भाई, यहाँ मेरी जगह है, ऊपर जा तू, ऊपर वाले टायरनी पे बैठ, चढ़ गया फाइनली गाइस, मैं बैठा हूँ आम के पेड़ के ऊपर चढ़ के, एंड मेरे फोन में 2% चार्ज है, तो जल्दी जल्दी सबको दिखाता हूँ, दोस्त इसका नाम है अभय, इसकी इसका नाम अभय, इसकी मासूम स्माइल मत जाइए, इसके बाद बड़ी दुर्घटना हुई है, हाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कॉपीराइट हो जाए, इसकी मासूम सी स्माइल देखिए, ये बच्चा देखो अभी तक क्यूटनेस दिखा रहा है, अभी भी स्माइल कर रहा है लेकिन दर्द में, दर्द में अभी तक। तो गाइस देखिए जरा ये कितना ऊपर है, ये लगभग इस टाइम 10 फीट के ऊपर है हाइट इसकी, और हम मैं भी जो है ऑलमोस्ट वही मर जाएगा भाई 8 फीट के करीब हूँ, और ये देखो ये तो डेयर डेविल बन के कहाँ चढ़ रहा है इस बार, इस समय ये 15 फीट के करीब है, अगर टूट गया तो ख़त्म है ये, दूसरी आँख में कट परमानेंट कट लग जाएगा आधे गिरा तो गाइस क्या इसको गिराएं, गिरा देते वीडियो के लिए कंटेंट है गाइस, गाइस आपके पास टाइम नहीं होना, आपको मैं सीधे बता के दिखाता हूं, इट्स सो सिंपल, इट दिस इज जुगाड़, यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट 2% है बंद होने वाला है, ओके जल्दी ब्रो, देयर इज नो क्लीन, आओ लेट मी फाइंड, या जा लार चाहता करे, लार चाहते जाओ, हां लार चाहता है, लार जाओ, लाल भूत चाहते हैं आज, भूत है ना, भूत है कुछ ना जाना, ये बहुत सॉफ्ट है, ये इसका बन नहीं पाएगा, ये पेड़ बहुत टाइट है इसका, जल्दी दिखा, नहीं हो सकता, ये बहुत टाइट हो गया, ये अब यहाँ से यहाँ चल रहा है एकदम जस्ट लाइक अ लिजर्ट, अब इसका दोस्त भी आ चुका है, देखिए गाइस बैठे बैठे हमने एक दूसरे को डेयर दिया है, डेयर ये है एक घूंट में ये जो है स्प्राइट पीना है, सोनू ने डेयर दिया है अपने अंकित, फ्रॉम कनाडा, अंकित फ्रॉम कनाडा, एक घूंट का मतलब होता है अगर मुंह में गाज लगा दे नीचे ना आ जाए, नहीं 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 एक बार अगर मुंह से मतलब एक गिनना स्टार्ट हुआ ना तो वो कितना रहना चाहिए, ऐसे नहीं है, तो बिजनेस आप नीचे जा रहे हैं, साथ लेना है एक बार में, वो ये तो ये नहीं होता है, मैं पी गया एक ही घूंट में, एक ही घूंट था वो सही, एक ही मैच चल, कोई बात नहीं, चाट पार्टी गाइस, एक ब्रो हम एक एक खींच के भागे आए, भागे भागे आए यहाँ, शुरू करें कर रहा हूँ, ब्रो ब्रो अपन ज़्यादा स्टाइल करेंगे ना कोई पैसे मांग लेगा, पैसे है नहीं अपने पास, आई एम फ्रॉम यूएसए,
चल आगे चल आगे चल। Hey man, where are you from? Hi, I'm from USA, Los Angeles, and this is my first time here in Ayodhya. And I really like the environment. I really like the vibes here. And let's explore it. Hope you will find some. So hello guys, welcome back to another vlog. And तो हम जो है अयोध्या में पहुंच चुके हैं यहाँ पे इस टाइम पे। एंड आपको दिखाता हूँ अयोध्या का स्टेशन कैसा है और आगे क्या होता है। तो कीप वॉचिंग गाइस। तो ये रहे हम सब, तेरी होगी इंट्रोडक्शन या। तो हम यहाँ पे देखो भैया अयोध्या में पहुँच चुके हैं और ये कुछ खूबसूरत सा अभी डेवलप हो रहा है ये स्टेशन, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्टेशन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट लोग मिल जाएंगे। ये सामने तो खड़ी है, इसी ट्रेन से हम यहाँ पे आए हुए अभी चलने वाली बहुत शोर से। भाई साहब अगर आप कभी अयोध्या आएँ इस ट्रेन से कभी बताइए ना, ट्रेन का नंबर आपको बता देता हूँ। ये है गंगा सतलुज। इट्स ऑलमोस्ट एन आवर लेट। ट्रेन का नंबर है 13। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इसमें। इतना कम डिस्टेंस था बट ये बहुत लेट आया। अयोध्या आने का तो कोई किसी सुपरफास्ट का नहीं सकता। ये मंदिर यार मुझे लग रहा है ना हम बैग कहीं रख सकते थे यार। नंगी टांगे आगे मेरी। बाय। मार मत जाइयो गिर के। बढ़िया सेल्फी लो टीका लगा। हेलो मिलाने के पैसे लगे हैं।
वीडियो। ये देखिए गाइस, ये है अयोध्या का प्लैंड मैप की कैसे इसको बिल्ड किया जाएगा। अभी फिलहाल ऑन द प्रोसेस है, हम देखते हैं कैसे बनता है। ये आपके पीछे अयोध्या का स्टेशन, बेहतरीन स्टेशन है अयोध्या का, जो कि अभी भी नया बनाया बना है।